किसी और की जिंदगी का सपना है कि मुझे इतना मिल जाए बस। इसका मतलब ये नहीं कि और के लिए मेहनत नहीं करो, मेहनत जी भर के करो, जितना चाहिए उतना ग्रहण करो अपनी मेहनत का। मैं नहीं कहूंगी संतुष्ट हो जाओ, जो चाहिए उसके लिए जी तोड़ मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, लेकिन जो है उस पर तो ध्यान दो। हमारी आदत हो गई इकट्ठा करने की। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको कोई गाड़ी चाहिए, अच्छी बात है, मेहनत करो, धन कमाओ, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीदो, लेकिन ऐसा नहीं है कि खरीदने के बाद वो उसका आनंद ले। वो आई कुछ दिन हुआ नहीं कि उसका भूत उतर गया, अब कोई और चाहिए। अरे उसके लिए इतनी मेहनत करी, उसको खरीदा, उसका तो आनंद लो, लेकिन नहीं, मिलने के बाद व्यक्ति का भूत उतर जाता है, खत्म हो जाता है, अब उसको दूसरी चीज चाहिए। तो हमारी आदत हो गई है कि हम सिर्फ चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, आनंद नहीं ले रहे। आनंद लेना सीखिए। इसीलिए इसका मतलब यही है कि क्या है उस पर ध्यान दो। भगवान ने बहुत कुछ दिया है, सबको दिया है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर जाता नहीं। मैं हमेशा कहती हूं कि शिकायत तो बहुत जल्दी कर देते हैं हम, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो है उसका क्या? कितनी बार उसके लिए धन्यवाद करते हो? कि किसी दिन ऐसा है कि आज कोई शिकायत नहीं कि भगवान ठीक है जो चाहिए चाहिए, मेहनत कर रहे, लेकिन जो दिया है बहुत है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत दिया है। कितनी बार करते हैं ऐसे? वो कभी कभार एक आध बार याद आ गई, लेकिन शिकायत कितनी करते हैं, ये नहीं वो नहीं। जैसा मैंने कहा रोने की आदत पड़ गई है, कि रोने की आदत पड़ गई है, तो इसीलिए जितनी शिकायत करते हो उसको खत्म तुरंत से हो जाए, ये तो चाहूंगी यही हो, लेकिन होता नहीं। लेकिन उसको आधा करके आधा धन्यवाद करना सीखिए। और मैंने पहले दिन भी कहा, मुझे नहीं पता कि आप मेरे जाने के बाद ये बातें कितना मानने वाले हैं, तो जितना हो सके यही करा कर चली जाओ।